After 8 years, I am going to board with you. Don't worry for me. सत श्री अकाल, नमस्कार। कहाँ के आप? जमशेदपुर, झारखंड। सर ये क्या कर रहे हो? क्या है देखो, क्या क्या बिजनेस कर रहे हो? हर्ब्स का ठीक चल रहा है? क्यों कन्हैया बताओ, आपकी कंस्टिट्यूएंसी में आपका अगर आप एमपी बनोगे तो क्या प्लान कर रहे हो? व्हाट्सएप नंबर जारी किया और समय कम था, फिर भी लोगों ने हजारों सजेशंस भेजे, 50,000 से ज्यादा हमने कॉल। मेन सजेशंस क्या है? मतलब अगर लोगों की प्रॉब्लम देखें तो ये पूरा वर्किंग क्लास है, जो काम करने वाले लोग हैं वो जाम से ज्यादा परेशान होते हैं और इसको तभी ठीक किया जा सकता है जब इस एरिया में रोड का चौड़ीकरण किया जाए। और लाइफ लाइन है इस एरिया के लोगों के लिए मेट्रो, मतलब मेट्रो से दूर जाते हैं, मेट्रो से उतर के वहाँ भी मेट्रो भी कांग्रेस पार्टी ने बनाई। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मेट्रो कॉन्सेप्चुलाइज देखी और बनाई भी कांग्रेस पार्टी ने, तो मेट्रो जो है हमको बहुत हेल्प करी। और जैसे यहाँ रहने वाले लोग गुड़गांव तक काम करने जाते हैं, नोएडा तक काम करने जाते हैं, अंडर पास बनवाना है, वाटर क्राइसिस बहुत जबरदस्त है, 20 रुपए का लीटर खरीद करके पानी पीते हैं, मतलब वाटर सप्लाई बिल्कुल है ही नहीं, सप्लाई है भी रेगुलर नहीं है, या जो ग्राउंड वाटर है वो अच्छा नहीं है, मतलब पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सुरेश की पेंशन नहीं मिल रही आपके घर में? कैसे आप? मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, मेट्रो पे इनसे मिल रही है तो वो कह रहे हैं कि उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। वो मजाक सोच रहा है। राहुल गांधी जी मेरे साथ बैठे हैं, वो मान नहीं रहा, समझो वो मान नहीं रहा, बोल रहा नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहे हो, इनका पूरी तरह सोच रहा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। वो कह रहा कर देगा क्या करते हो? स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी करते हो? ठीक है, मैं बैंकिंग के कर रहा हूँ। प्राइवेट में? जी प्राइवेट। कितना पैसा लग रहा है अभी? तो 24 तो लग चुके, अभी कोर्स चल ही रहा है। पापा सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हें? फुल सपोर्ट है। बाद में पापा को सपोर्ट करना है तुम्हें? एकदम पक्का है, पूरा सपोर्ट। आपने पता है राहुल जी की गारंटी आपने देखी है? जी मैंने देखी है। एजुकेशन लोन को जीरो करते हैं, इन्हीं सपोर्ट करते हैं स्टार्टिंग से। बहुत अच्छा लगा। कांग्रेस पार्टी मेट्रो बनाई, वही है बनाया हमारे एरिया में, वही बात है, सड़कें बनाई, बांध बनाया, और जो है बीजेपी जो है उसको बेच रही है। तो हम लोगों को नया बनाना भी है और पुराना जो बनाया हुआ है उसको बचाना भी है। इसको बनाया, हाँ यही वही है, सारी चीजें बनाई है, जो काम कर रहा है वो कांग्रेस गवर्नमेंट का है। ठीक है, क्लियर सर। नो नहीं, इधर मम्मी, इधर मम्मी, इधर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, बनाया है, हम बनाते रहते हैं जहाँ भी कांग्रेस पार्टी की सरकार। कांग्रेस ने IIM बनाए, एम्स बनाए, IIT बनाया, मेट्रो बनाया, डैम्स बनाए, फैक्ट्रियां बनाई, स्कूल बनाए, बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल बनाए, स्टेडियम बनाया। सो इन वन लाइन वी कैन से हमारा फर्स्ट टाइम वोटर के लिए, आप वोट कीजिए, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचा कर इंस्टीट्यूशन को बचाइए, शांति न्याय और प्रगति इसके साथ जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो प्लीज वोट फॉर द प्रॉस्पेरिटी, वोट फॉर द पीस, वोट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, वोट फॉर द डेमोक्रेसी। मेरी सोच है कि इसमें दो तीन एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट कल्चर का है, कल्चर को बदलना है। महिला किसी भी तरह पुरुषों से कम नहीं होती है, जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला कर सकती है, तो उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है सरकार में, बिजनेस में, हर सेगमेंट में। बेसिक प्रोटेक्शन होनी चाहिए और फाइनेंशियल इंजेक्शन महिलाओं को मिलना चाहिए, जो महालक्ष्मी योजना में कर रहे हैं। एक चीज और है कि अगर सरकार ऐसी हो जो विमेन के खिलाफ क्राइम करने वाले किसी भी व्यक्ति को टॉलरेट नहीं करे, चाहे अपना लीडर क्यों ना हो, उस पर एक्शन ले पहले पार्टी के भीतर। अगर हम इस तरह का जैसे विशाखा जजमेंट जो था उसके आधार पे कांग्रेस पार्टी कानून लेके आई कि हर वर्किंग प्लेस पे एक सेल होगा ह्यूमन सिक्योरिटी को लेकर, इंटरनल कमेटी होगी जहाँ लोग जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अब वो जो है वो पूरी तरह से डिसफंक्शनल है। प्रज्वल रेवन्ना तो कर्नाटक का केस तो बिल्कुल, मतलब
भयंकर केस है, मतलब 400 महिलाओं का उसने रेप किया है, तो वहाँ पे मतलब प्रधानमंत्री उसका प्रचार करने जा रहे हैं, रिडिकुल मतलब पॉलिटिकल सिंबल बन जाता है ना, तो महिला देखती है कहती है ये क्या हो रहा है। ओ हेलो, नेक्स्ट कैंडिडेट हैज कम। आप जो गारंटी दे रहे हैं कि जो गरीब परिवार की महिला है उनको साल में 1,00,000 रुपया उनके खाते में जाएगा, उनके लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और जो एक पीढ़ी युवा की बर्बाद कर दिया मोदी जी ने 2014 से 24 तक, दूसरी पीढ़ी को आप संभालने जा रहे हैं, पार्टी संभालने जा रही है, तो उनको भी 1,00,000 रुपया साल में मिलेगा ताकि स्टार्टअप कर सके, कुछ कर सके, वरना एक पीढ़ी तो पूरी बर्बाद कर दिया है मोदी जी ने। कैंपेन कैसा चल रहा है? गोइंग वेरी वेल। गोइंग वेल क्या कर रहे हैं?